नमस्कार, इंकलाब टीवी चैनल में आपका स्वागत है। बेटी ने अपने पति के हत्यारे अपने बाप की गिरफ्तारी को लेकर एसपी कार्यालय का किया घेराव। इम्तियाज की पत्नी शादिया प्रवीण ने मुफसिल थाना अध्यक्ष राजबिंदु प्रसाद के साथ अपने पिता औरंगजेब के साथ पूरी साठगांठ होने की बात कही। सादिया परवीन ने अपने पिता औरंगजेब के साथ मुफसिल थाना अध्यक्ष राजबिंदु प्रसाद और गांव के सरपंच पति का एक साथ तस्वीर भी मीडिया कर्मी को दिखाई। मुफसिल थाना क्षेत्र के चिलमिन पंचायत के हरदिया गांव निवासी स्वर्गीय इम्तियाज की पत्नी सादिया प्रवीण शनिवार को एसपी कार्यालय में गांव की दर्जनों ग्रामीण महिलाओं और पुरुषों के साथ अपने पति के हत्यारे अपने बाप की गिरफ्तारी को लेकर एसपी से गुहार लगाने पहुंची। स्वर्गीय इम्तियाज की पत्नी सादिया परवीन ने मीडिया को बताया कि मेरे पति इम्तियाज की हत्या बीती 4 मार्च को घर के सामने एक बाइक गैरेज में शाम के 3:30 बजे मेरे पिता औरंगजेब और अपराधियों ने मिलकर की। हत्या के बाद मुफसिल थाना अध्यक्ष ने मुझे यह आश्वासन दिया कि हत्यारे की गिरफ्तारी 24 घंटे के अंदर कर ली जाएगी, लेकिन 48 घंटे बीत जाने के बाद भी अभी तक मेरे पिता हत्यारे की गिरफ्तारी नहीं हुई है। उल्टा मेरे द्वारा सूचना जब थाना अध्यक्ष को दिया तो औरंगजेब के घर की सुरक्षा जाकर हरदिया में की गई। किसी ने उनके घर को तोड़ फोड़ भी किया है। अगर मेरे पति के हत्यारे मेरे बाप की गिरफ्तारी शीघ्र नहीं की जाएगी तो मेरी भी हत्या कभी भी की जा सकती है। एसपी कार्यालय साथ में आए सीपीआई सचिव मंडल के सदस्य अनिल अंजान ने मुफसिल थाना अध्यक्ष राजबिंदु प्रसाद पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि औरंगजेब और थानाध्यक्ष की साठगांठ से मोहम्मद इम्तियाज की हत्या कराई गई है। मोहम्मद औरंगजेब मुफसिल थाने के एक मशहूर दलाल और आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। हम आपके अखबार के माध्यम से यह मांग करते हैं कि शादिया प्रवीण को न्याय मिले, घटना की सीबीआई जांच हो, मुफसिल थाना अध्यक्ष पर एफआईआर हो तथा पीड़िता को जीवन गुजर बसर करने के लिए सरकारी नौकरी मिले ताकि आगे का वह जीवन जी सके। उन्होंने जिला पुलिस प्रशासन को आगाह किया कि अगर सादिया प्रवीण के पिता इम्तियाज के हत्यारे औरंगजेब व इसमें संलिप्त अन्य लोगों की गिरफ्तारी शीघ्र नहीं होती तो पुलिस नहीं करती है तो हमारी पार्टी आगे तीखा आंदोलन करेगी। पूर्व बेगूसराय के विधायक सीपीएम के नेता राजेंद्र प्रसाद सिंह और सीपीआई के जिला कार्यकारिणी सदस्य कमली महतो ने भी जिले के एसपी से शीघ्र हत्यारे की मांग की है। मौके पर स्वर्गीय इम्तियाज के चाचा नूर आलम, पिता मोहम्मद मंसूर, अम्मी शहनाज बेगम, भाई मोहम्मद नूर हसन गौसुल, एजाज मोहम्मद नौशाद, अरशद मोहम्मद शकूर, मोहम्मद शौकत, मोहम्मद सद्दाम, इमरान सनाउल्लाह समेत कई अन्य लोग भी साथ में उपस्थित थे। देखिए संवाददाता मोहम्मद नबी आलम की ये खास रिपोर्ट। देखो बात हम आपको मिनती करके कहते हैं सर, अगर 24 घंटा के अंदर में उसको रेस्ट नहीं कीजिएगा सर एकदम आग लग जाएगा। उन्हें उन्हें गोली उन्हें क्यों मरवाया गया, ये क्या कारण है, क्या वजह है? सर मैंने शादी किया, लव मैरिज, इसी के कारण है, इसी कारण धमकी हो गई है। मैंने कई बार आवेदन किया है, बोला कुछ भी नहीं होगा तुम्हें, जैसे सही यहाँ आए थे 4-5 बार दोनों आए थे आवेदन देने के लिए, बोला कुछ भी नहीं होगा, कागज फेंक दिया उठा के। ऐसा कौन करता है, ऐसा कौन करता है? कोई आवेदन तो बोलेगा ना, जाँच भी होगा ना, बोला नहीं तुमको वारंट किया जाए, सूट वारंट किया जाए, अरे तो मेरे सामने में ले आकर तो मैं चलाऊंगी उसको, मेरे सामने में ला कर तो मैं चलाऊंगी उसको, मेरा कौन देखाएगा, मेरा छोटा बच्चा है, मेरा छोटा बच्चा है, जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। आपका साथ औरंगजेब अपराधी चरित्र का व्यक्ति है, मुफस्सिल थाना अध्यक्ष से उनका मजबूत साठ गांठ है जिसका प्रमाण अभी फोटो के तौर पर दिखाया गया। स्थानीय लोगों से जब आप जानकारी लेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से
दोनों का एक साथ रहना, एक साथ खाना भोजन करना, और अगर हकीकत में कहा जाए तो मुफस्सिल थाना का अध्यक्ष व्यवहार में यादवेंदु जी नहीं, वही औरंगजेब है। कौन सा FIR इस थाना में दर्ज होना है, कौन सा FIR दर्ज नहीं होना है, ये औरंगजेब जी से पूछ के होता है। ऐसी स्थिति में जब ये मामला लव मैरिज का है, जो अभी बयान दिया गया मृतक इम्तियाज के पत्नी के द्वारा, वो रोंगटे खड़ा करने वाला है। इससे पहले भी कई बार इम्तियाज के साथ मारपीट की गई, जान से मारने की धमकी दी गई, उससे संबंधित मामला भी पुलिस प्रशासन के संज्ञान में लाया गया, लेकिन परिणाम धाक का तीन पात। और अब जब मोहम्मद इम्तियाज की हत्या की गई तो इससे स्पष्ट संकेत मिलता है कि इसमें मुफस्सिल थाना अध्यक्ष सीधा सीधी जुड़े हुए हैं। मुफस्सिल थाना अध्यक्ष और औरंगजेब के साथ गांठ से इम्तियाज की हत्या की गई है। इसलिए हम यहां पुलिस अधीक्षक महोदय से गुहार लगाने आए हैं कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो फिर न्याय के लिए लोग कहां जाएंगे। अगर आपके दिलों में कहीं से अगर न्याय जिंदा है तो आप अपने मुफस्सिल थाना अध्यक्ष के ऊपर FIR दर्ज करके उनको गिरफ्तार करें, ये मांग करने आए हैं। हम ये मांग करने आए हैं कि मैन एक्यूज जब थानाध्यक्ष के साथ उनका बैठना उठना होता था तो वो गिरफ्तारी से बाहर कैसे हैं। इसीलिए जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार किया जाए, जो मृतक की पत्नी है इनको नौकरी दिया जाए एवं समुचित मुआवजे की व्यवस्था की जाए। अगर न्याय नहीं मिलेगा तो फिर हम लोग, चाहे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के हैं या दूसरे दल के हों, हम गुहार लगाएंगे और हम आंदोलन करेंगे। अभी गया है कल से प्रशासन देखने के लिए, एक बार भी नहीं गया है, पूछने के लिए भी गया नहीं। रिक्वेस्ट है कि हमें इंसाफ चाहिए, इंकलाब टीवी चैनल यदि आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।